वेलकम टू ओनली आइए स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आज 23 नवंबर 2022 है तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं हमारा फर्स्ट आर्टिकल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में है हम चाहते हैं कि जो हमारा पोर्ट सेक्टर है शिपिंग सेक्टर है वो कम से कम एमिशन करे लेकिन इस एमिशन को कैसे कम किया जाए इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए कुछ नॉलेज होनी चाहिए इनोवेशन होना चाहिए आखिर ये हमें कहाँ से मिलेगा ये हमें मिल सकता है एक ऐसे सेंटर से जिसको इस सब फील्ड में एक्सीलेंस हो इसी रेफरेंस में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अनाउंस किया है इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज का जिसे आप शॉर्ट में एम बोल सकते हो पर्पज यही है कि हम तैयार करें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जिसके ज़रिए हम जो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर पाएं, जिससे हमारा जो शिपिंग सेक्टर है वो ग्रीन बने मतलब ये है कि हम एमिशन कम से कम करें और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकें सर्कुलर इकोनॉमी में भी इसका फ़ायदा मिले पूरे शिपिंग सेक्टर में इसी रेफरेंस में काम करेगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये होगा नॉलेज पार्टनर मतलब नॉलेज पार्टनर इसकी ओर से कौन होगा फंडामेंटली ये हमें समझना है जैसे ये सेंटर तो आपने बना दिया लेकिन इस सेंटर के ज़रिए नॉलेज इम्पार्ट कौन करेगा टेरी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है दैट इज़ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ये इस प्रोजेक्ट के लिए नॉलेज इम्पार्ट करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी रहेंगे जो सेंटर है ये सागरमाला प्रोग्राम के तर्ज या फ्रेमवर्क के भीतर भी काम करेगा क्योंकि सागरमाला जो हमारा प्रोग्राम है उसके तहत जो हमारा कोस्टल रीजन है हम उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सेंटर के फंक्शनिंग की बात करते हैं तो ये एक टेक्नोलॉजिकल आर्म की तरह काम करेगा मिनिस्ट्री के लिए जो पॉलिसी रिसर्च और कोऑपरेशन जो भी ग्रीन शिपिंग एरिया में रिक्वायर्ड है उसके लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देगा जो सेंटर होगा वो कई सारी टेक्नोलॉजिकल आर्म्स को भी होस्ट करेगा जो पोर्ट या शिपिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैपेबल हैं ये वैल्यूअल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी मदद करेगा ताकि जो मेरी टाइम ट्रांसपोर्टेशन है वो लोकल रीजनल नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा बेहतर बन सके इंडिया ने क्लाइमेट चेंज को कॉम्बेट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं स्पेसिफिकली जो पोर्ट्स एंड शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड हों सबसे पहले तो मेरी टाइम सेक्टर पर हमने फोकस किया हमने ये प्लान बनाया है कि दो तक जो पर टन कार्गो हैंडल करने में कार्बन का एमिशन होता है हम उसे 30 परसेंट तक कम कर देंगे 2030 तक अगर हम एक टन कार्गो लेकर जाते हैं उस दौरान में जो भी एमिशन होता है कार्बन का उसे 2030 तक हम 30 परसेंट तक घटाएंगे हमारे हमने भी तैयार किया मेरे टाइम विजन डॉक्यूमेंट ट्वेंटी इसमें 10 साल का हमने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि कैसे हम वाइब्रेंट ब्लू इकोनमी तैयार करेंगे जो कि सस्टेनेबल होगी मतलब हम उसमें इन्वायमेंट को लॉस नहीं पहुंचाएंगे पैल आईएमओ ने यानी कि इंटरनेशनल मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट तैयार किया है और इंडिया पहली कंट्री है जिसे पिक किया गया है इस प्रोजेक्ट के तहत जिसमें ग्रीन शिपिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया जाएगा इंडिया ने अपना आई डिसाइड किया है इंडियाज़ नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट्स जिसमें हमने ये कहा है कि जो टोटल इंस्टॉल मतलब हम लगातार उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारी जो भी हम एनर्जी वगैरह यूज करते हैं उसका 24.5 परसेंट तो हमने रीन्यूबल एनर्जी से अचीव करना शुरू कर दिया है ग्लोबली इंडिया वर्तमान में रीनुएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी में फोर्थ रैंक पर आता है फोर्थ आता है वो विंड पावर में फिफ्थ सोलर पावर कैपेसिटी में मतलब हम इस फील्ड में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये तो पूरा आर्टिकल रहा इस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो निकोबारी होडी क्राफ्ट के बारे में है निकोबारी होडी क्राफ्ट ने एप्लीकेशन दिया है कि उनके इस होडी क्राफ्ट को जीआई टैग दे दिया जाए अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज अभी तक तो जीआई टैग मिला भी नहीं है फिर भी ये न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है रीजन बींग कि अंडमान निकोबार आईलैंड की ओर से ये पहला जी टैग का एप्लीकेशन है तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट भी है और सरकार को इसे जी टैग देना भी चाहिए होडी एक निकोबारी ट्राइब्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट है क्राफ्ट के फॉर्म में इन जनरल ये एक बोट है ये एक आउट्रिगर कैनोई है कैनोई का मतलब होता है डोंगी जो छोटी नाव होती है उसे कैनोई कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में इसे डोंगी कहा जाता है ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली एक डोंगी है एक छोटी सी बोट है जो होडी है इसे लोकली अवेलेबल ट्रीज या आसपास के आइलैंड से अगर कोई पेड़ मिल गया तो उसी से बनाते हैं इसका जो डिज़ाइन है वो अलग अलग आइलैंड्स पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा बट आपको बेसिक सिमिलैरिटीज़ तो मिलेंगे ही मिलेंगी इसको बनाने की जो टेक्निकल स्किल होती है वो यहाँ के इंडिजीनियस नॉलेज का पार्ट है उनके फोरफादर्स बनाया करते थे और अभी जानकारी उनके पास है वो इस डोंगी को कैनोई को बनाते हैं इसकी लेंथ जितनी भी होगी जिसकी इसकी विथ्थ होगी उसका ट्वेल्व टाइम्स इसकी लेंथ होगी तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है बनाने का इसको बनाते वक्त एक स्ट्रेट ट्रंक जो पेड़ की होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है जो कम से कम 80 से 60 साल पुराना पेड़ हो ताकि वो मजबूत लकड़ी हो और उससे अच्छी डोंगी बन सके या फिर अगर वो एक तरफ झुका हुआ है तब भी चलेगा कुल मिला के सीधा होना चाहिए पेड़ का ब्रांच और उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्रांच वगैरह नहीं होना चाहिए मतलब जो ट्रंक है उसमें ऐसे ब्रांच नहीं होनी चाहिए जो लेंथ वो चूज करते हैं किसी भी पेड़ की वो उसकी विथ का पंद्रह गुना ज़्यादा हो तो उनको नाव बनाने में आसानी होती कुछ है कुछ स्पेसिफिकेशनस हैं इस नाव को इस डोंगी को बनाते वक्त कुछ स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल ट्रेडिशनली लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया जाता रहा है कोकोनट को ले जाना ट्रांसपोर्ट करना या फिशिंग करना इसका इस्तेमाल रेसिंग पर्पज से भी करते हैं लोग कॉम्पिटिशन वगैरह भी करते हैं उसमें इसी इकोनोमी का इस्तेमाल करते हैं होडी रेसेस होती हैं आईलैंड में निकोबार के नज़दीक में और उसमें इसी बोट को यूज़ किया जाता है चलिए बात करते हैं जीआई टैग के बारे में जीआई टैग एक इंडिकेशन है जिसका इस्तेमाल किसी भी जोग्राफिकल टेरिटरी में पैदा होने वाले बनाए जाने वाले मैन्युफैक्चर किए जाने वाले किसी प्रोडक्ट के स्पेशल करेक्टरिस्टिक को टेक्नोलिज करने के लिए दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये सामान जो है वो इस जोग्राफी में बनता है तो उसकी ये क्वालिटी होती है और ये क्वालिटी आपको उस सामान की तभी मिलेगी जब वो उस जोग्राफी में बनाया जाएगा तो इसीलिए उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है बिकॉज ये ज्योग्राफिकल टेरेटरी इज इंपॉर्टेंट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन उसके तहत इन प्रोडक्ट्स को रजिस्टर किया जाता है ताकि उनको बेटर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके जो डब्ल्यू का ट्रिप्स है दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसमें भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन देने की बात की गई है प्राइमरली इसमें एग्रीकल्चर नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को शामिल किया जा सकता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल गुड्स इसका हिस्सा बन सकते हैं एक बार जीआई टैग मिला किसी प्रोडक्ट को तो वो 10 सालों तक एप्लीकेबल रहता है 10 सालों के बाद उस जी टैग को फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को जी टैग मिल गया तो कोई और कंपनी या कोई और पर्सन उसे उस नाम से नहीं बेच सकता फर्दर जीआई रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद उसे लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है कि उसे अनऑथराइज तरीके से यूज़ ना किया जाए और तीसरा कि उसके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प मिलती है कि भाई ये इस लोकेशन का प्रोडक्ट है जी टैग्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है जो रजिस्ट्रेशन होता है जोग्राफल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो चेन्नई में बेस्ड है वहीं पर स्टैब्लिश्ड है जी टैग प्रोडक्ट की बात करते हैं जिन्हें पास्ट में मिला है और काफ़ी फेमस हैं ये प्रोडक्ट्स जैसे कि बासमती राइस दार्जिलिंग टी अब दार्जिलिंग टी में बता दिया गया कि दार्जिलिंग की टी फेमस है तो कोई और कहीं और पे टी उगा के उसे दार्जिलिंग टी के नाम से नहीं बेच सकता अगर वो ऐसा करता है तो पनिशेबल होगा चंदेरी फैब्रिक मैसूर सिल्क कुल्लू शॉल कांगड़ा टी थावर पेंटिंग इलाहाबाद शुरखा फरूखाबाद प्रिंस लखनऊ जरदोजी कश्मीर सैफरिन कश्मीर वॉलट वुड काविंग ये सभी टैग्ड हैं, ये उस लोकेशन से बिलोंग करते हैं इसलिए जी आई हैं, तो इनका कहीं और यूज नहीं किया जा सकता एटलीस्ट नॉट ऑन दैट नेम देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के प्रीलिम्स में कि इनमें से किसे जीआई टैग मिला हुआ है जैसे जीआई टैग तो इतने मिलते रहते हैं तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछते दो हज़ार पंद्रह में देखिए पूछा गया है उन्होंने तीन प्रोडक्ट्स के नाम दिए बोले किसको जी टैग मिला है तो इसमें पहले और तीसरे को तो मिला है दूसरे को नहीं मिला है तो आंसर वन एंड थ्री निकला तो किसको जी आई टैग मिल रहा है क्या मिल रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए वो जी आई टैग के बेसिक्स भी आपसे पूछ सकते हैं तो जी आई टैक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं यू मस्ट नो अबाउट जी आई टैक्स हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एन के बारे में है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में है कई सारी कंपनीज़ ने आर को अपना डेटा सबमिट किया जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले सालों में उन्होंने कितना जो एसेट था उसे राइट ऑफ कर दिया और जो टो, टोटल डेटा निकल गया है दैट इज़ ऑफ अराउंड टेन लाख करोर मतलब सभी बैंक्स ने मिलकर अराउंड टेन लाख करोर का जो अपना लोन था उसको राइट ऑफ कर दिया राइट ऑफ़ करने का मतलब ये है कि भाई अब नहीं मिलेगा इसको छोड़ो हटाओ इसको अकाउंट्स में से हटा दो चूँकि अकाउंट्स में रहता है कि भाई इनका इतना ड्यू है मिल नहीं रहा है तो ऐसे अकाउंट्स जो हैं उनमें दिक्कत होती है तो वो अकाउंट्स में से हटाने के लिए उसको राइट ऑफ कर देते हैं कि अब ये मिलना मिलना है नहीं छोड़ो हटाओ इसको राइट ऑफ करने के क्या फ़ायदे होते हैं विल डिस्कस ऑन इट क्योंकि इससे तो कंपनी बता रही है कि ये पैसा हमारा डूब गया मिला नहीं तो ये तो समझ में आया इसी रेफरेंस में एनपीए न्यूज में है नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसा लोन होता है जिसका ना तो प्रिंसिपल और ना ही इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पिछले नब्बे दिनों से आया हो मान लेते हैं कि बैंक ने एक पर्सन को सौ रुपए लोन दिया है और उन्हें हर महीने रुपीज है वो ब्याज देना पड़ता है लेकिन उस पर्सन ने पिछले नब्बे दिनों से ना तो इस सौ रुपये में से कोई अमाउंट दिया है और ना ही उनको जो ब्याज देना पड़ता है हर महीने वन पॉइंट फाइव रुपीज़ का वोन उन्हें भरा है इस रेफरेंस में नब्बे दिनों से कुछ भी नहीं मिला है तो फिर उस अमाउंट को एन यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है मतलब ये एसेट बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है परफॉर्म ये तब करेगा जब इस पर लगातार ब्याज मिलता रहे या प्रिंसिपल अमाउंट में से भी कुछ मिलता रहे ना तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल रहा है और ना ही ब्याज मिल रहा है मतलब जो उनका एसेट है बैंक के लिए जो वो लोन देते हैं वो एसेट होता है और अगर उस पर ब्याज नहीं आ रहा है तो वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसीलिए डाउटफुल एनपीए और लॉस एसेट एनपीए अभी जो क्लासिफिकेशन होता है, वो किस पे होता है? अगर 12 महीने से कम जैसे तीन महीना जो हो गया तब तो एनपीए डिक्लेयर हो गया तीन महीने से 12 महीने के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड के बीच में जो एनपीए होता है उसे सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है बारह महीने हो गए या उससे ज्यादा का समय बीतने लग गया तब उसे डाउटफुल एसेट कहा जाता है मतलब ये तो अब मिलना नहीं है उसके बाद आता है लॉस एसेट अगर ऐसा लग जाता है आर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि अब जो ये मनी है वो अनकलेक्टेबल है और अब इससे फायदा नहीं होने वाला है तो फिर उस अमाउंट को लॉस एसेट डिक्लेयर कर दिया जाता है बैंक लोन को राइट ऑफ क्यों कर देते हैं क्योंकि इससे तो ये क्लियर हो गया कि अब उनको वो पैसा नहीं मिलना है देखिए ऐसा कुछ नहीं होता कि राइट ऑफ करने के बाद पैसा ना मिले राइट ऑफ करने के बाद भी पैसा मिल सकता है लेकिन ये ये अकाउंट्स में से हटाने के लिए राइट राइट ऑफ ऑफ किया जाता है बैंक एक बार कर दे किसी भी अमाउंट को तो क्लियर हो जाता है कि भाई अब इस अमाउंट को रिकवर करना पॉसिबल नहीं है ये मुश्किल है ये वापस नहीं आएगा ये जो एन है अब इस पर उन्हें अमाउंट नहीं मिलना है इसका फायदा ये होगा कि फिर आप उसे अपने बैंक के प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हो जैसे फाइनेंशियल ईयर के इंडिया में आप इतना प्रॉफिट दिखा रहे हो तो आपने दिखाया कि सौ रुपए का प्रॉफिट है तो अब उसमें वो एनपीए तो भी है एनपीए कैलकुलेशन में आ रहा है क्योंकि इससे आपको इतना पैसा मिलना था वो मिला नहीं है या इतना प्रिंसिपल आपका फंसा हुआ है तो ये अकाउंटिंग की गड़बड़ी करता है प्लस वो जो अमाउंट आपने दिया है वो टैक्सेबल हो सकता है तो एक बार आपने राइट ऑफ कर दिया मतलब आपने उसे अपने अकाउंट में से हटा दिया तो जो टैक्स है वो आपको नहीं देना पड़ेगा इसलिए बैंक्स अपने लोन को या एनपीए को राइट ऑफ कर देते हैं ये तो बड़ा बढ़िया है लोन राइट ऑफ कर दो और टैक्स देने से बच जाओ ऐसा कुछ नहीं होता है टेक्निकली जब भी राइट ऑफ किया जाता है तो उसे अकाउंट में से माइनस कर दिया जाता है उस अमाउंट को जो भी एन है लेकिन जो राइट ऑफ होता होता है वो केवल हेड ऑफिस की बुक से होता है बाकी जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनको रिकवरी का राइट फिर भी होता है ऐसा नहीं है कि कोई लोन राइट ऑफ हो गया बैंक ने राइट ऑफ कर दिया तो वो रिकवरी नहीं करेंगे रिकवरी की कोशिश वो तब भी करेंगे बस वो अपनी ओरिजिनल अकाउंट में से हटा देंगे कि भाई अब हमको उम्मीद तो नहीं है कि ये मिलेगा इसलिए टैक्स टैक्स वाला मामला तो इसमें से ख़त्म कर दो बाकी कोशिश हम करेंगे वो कोशिश करते रहेंगे और अगर उनको वो पैसा मिल गया रिकवर हो गया मान लो पंद्रह महीने बाद दो साल बाद भी रिकवर हो गया तो अगेन वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ऐड कर देंगे जो टैक्स वगैरह पे करना है वो कर देंगे बट ओवरऑल अपना अकाउंट क्लियर करने के लिए वो किसी भी एसेट को राइट ऑफ कर देते हैं तो ये तो पूरा मामला एन के बारे में हो गया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जी के बारे में है आपने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि रोबोट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रन करते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस अटेन कर लेते हैं वो इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं या फिर इंसानों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कई बार तो एक वॉर दिखा दिया जाता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानों के बीच में हो रहा हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भविष्य के ऐसे खतरों के बारे में चेतावनियां दी जाती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट को लेकर ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी बनता है हमेशा इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया जाए वो एथिकल हो और ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाला हो और हाँ इसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि कुछ देश इसको बहुत हाईली डेवलप कर पा रहे हैं और बाकी लोग मार्जिनलाइज हो जा रहे हैं इसी रेफरेंस में एक ग्लोबल पार्टनरशिप की गई और उसे नाम दिया गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पार्टनरशिप 2020 में हुई और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी रहा इंडिया को इस साल इसकी चेयरमैनशिप मिल गई है और चेयरमैनशिप जो इंडिया को मिली है वो हाल ही में हमने फ्रांस से ली है यह बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के फॉर्म में इंडिया को ग्लोबल लेवल पर इस प्रकार का रिकोगनीशन मिल रहा है तो जी ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जहां पर हम रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और उसका इस्तेमाल करेंगे जो ह्यूमन सेंट्रिक हो इसके ज़रिए थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को भी फुलफ़िल किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़्यादातर बातें अभी भी हॉलीवुड मूवीज़ तक ही सीमित हैं और उन्हें हम वास्तव में अप्लाई नहीं कर पाए हैं और जो एआई रिलेटेड प्रायोरिटीज़ हैं हमें उन पर भी ध्यान देना होगा कि एक्चुअली में हम एआई से करना क्या चाहते हैं स की बात करें तो इसमें है टोटल 25 फाइव मेंबर जिनमें शामिल हैं यूएस यूके यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया कनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान मैक्सिको न्यूजीलैंड साउथ कोरिया और सिंगापुर ऑफकोर्स इंडिया भी इंडिया ने जी को दो में फाउंडिंग मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो ओ ही होस्ट करता है इंडिया को जब चेयरमैनशिप मिलती है तो ये दिखाता है कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पे एक्नोलिज किया जाता है पर इंडिया तो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के एथिकल यूज को फोकस करता रहा है इसलिए इंडिया का जो रोल है वो ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है हम उम्मीद करते हैं कि दो तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया की इकोनॉमी को जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी अराउंड नाइन बिलियन यूएस डॉलर आज समझिए ये एक ट्रिलियन के आसपास का है इनफैक्ट हम 2025 तक हमारी जीडीपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 450 से 500 बिलियन यू डॉलर का कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करते हैं और ये जो हमारा एम्बिशन है फाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनमी का उसका दस परसेंट कवर करता है यू कैन अंडरस्टैंड कि एआई हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में है कॉप ट्वेंटी में शर्मल सीख में इजिप्ट में जब कॉप ट्वेंटी की मीटिंग हुई तो वहाँ पर लॉस एंड डैमेज फंड को स्टैब्लिश किया गया क्या है ये लॉस एंड डैमेज फंड इन जनरल जब भी हम क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करते हैं तो मामला ये होता है जो हमारा फोकस होता है ये होता है कि एमिशन कम कर दो ठीक है और एमिशन कम करने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करें और दूसरा अडाप्टेशन पर फोकस करो मतलब अगर क्लाइमेट चेंज से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको लेकर ज़्यादा अडाप्ट करने की कोशिश करो तो एमिशन को रिड्यूस करना और अडाप्टेशन को बढ़ाना यही हमारा दो सेंट्रल फोकस रहा है जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें तो इनएविटेबल हैं जो होंगी ही होंगी हमने क्लाइमेट को ऑलरेडी इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने शुरू हो गए हैं और उसे कोई रोक नहीं सकता तो उसकी वजह से लॉस और डैमेज होगा ही होगा उसका क्या करें जो लॉस एंड डैमेज का इम्पैक्ट होगा उसके लिए आप क्या कर रहे हो इसी रेफरेंस में बनाया जा रहा है एक फंड कि हमने क्लाइमेट चेंज को ऑलरेडी इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि उससे कुछ लॉस एंड डैमेज होगा ही होगा और वो इनएविटेबल है वो मिटिगेशन यानी कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करना या एडेप्टशन अपनी प्रैक्टिसज को मॉडिफाई करना ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें इससे बात बनेगी नहीं इससे इकोनॉमिक डैमेज होना होना है वो प्रॉपर्टी का भी होगा लाइवलीहुड का भी होगा और इसमें बायोडावर्सिटी का भी डिस्ट्रक्शन होगा इसे कंपनसेट करने के लिए हमारे पास होने चाहिए पैसे यानी कि फ़ंड अगर हम इस प्रकार के फंड के ओरिजिन की बात करें तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात तो फॉर द फर्स्ट टाइम नाइनटीन में ही की गई थी जब नाइनटीन में और सबमिट होती है तब भी इस बात को हाईलाइट किया गया वनवातू ने जो कि एक पैसिफिक का एक छोटा सा लो लाइंग आइलैंड नेशन है उसने ये प्रस्ताव रखा था कि देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम और जो यूएन एन केम्बिट में होनी चाहिए अगर राइजिंग सी लेवल आ रहा है और आइलैंड्स डूब रहे हैं तो उन्हें कंपनसेट कौन करेगा यूएन ने तीस सालों तक इसे इग्नोर किया लेकिन अब कुछ बदलाव आए हैं स्कॉटलैंड ने प्रॉमिस किया है कि वो लॉस एंड डैमेज फंड में टू मिलियन पाउंड पे करेगा सॉरी टू मिलियन पाउंड पे करेगा ये टू मिलियन डॉलर का इक्विवेलेंट होगा इसके बाद एक फंड को क्रिएट किया गया जिसमें जो पैसे इकट्ठा होंगे उनका इस्तेमाल इस प्रकार के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए किया जाएगा कॉप ट्वेंटी सेवन में लॉस एंड डैमेज फंड बना दिया गया है कंट्रीज़ लॉस एंड डैमेज फंड को कंट्रीब्यूट करेंगी फंड जो होगा इसका इस्तेमाल हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो पार्टिकुलरली वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए करेंगे फंड बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ से कॉन्ट्रीब्यूशन के जरिए बनेगा प्राइवेट और पब्लिक सोर्सेज भी इसमें फंड कर पाएंगे पैरेलली कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा इसमें होगी एक ट्रांजिशनल कमेटी जो बनाई जाएगी जिसका काम होगा कि और गवर्नेंस को डेवलप करे फंड के लिए पैसा कैसे मिलेगा कौन देगा और पैसे को मैनेज कैसे किया जाएगा इसके बारे में जो बाकी की बातचीत होगी जो फ्रेमवर्क होगा वो जब ट्वेंटी एथ कॉन्फ्रेंस होगी अगले साल 2023 में यू में तब तैयार कर लिया जाएगा मामला इंडिया का है इंडिया क्या करेगा इंडिया लॉस एंड डैमेज फंड को डोनेट करेगा या हमें उसमें से पैसा मिलेगा हमें उसमें से पैसा मिलेगा इस बात की संभावना तो नहीं है या बहुत ही कम है कारण यह है कि हम पार्टिकुलरली वनरेबल कंट्री में नहीं आते अब मामला यह है कि क्या इंडिया फंड करेगा तो इंडिया ने बोला कि देखिए हम वॉलेंटरली तो पे करते रहते हैं कोई भी वनरेबल कंट्री है उनको कोई क्राइसिस आ गया तो लेकिन हम इस प्रपोज फंड में तो पैसा नहीं डालने वाले हैं यहाँ पे पैसा डेवलप्ड कंट्रीज को डालना चाहिए वी आर जस्ट डेवलपिंग कंट्री हम अपनी ओर से जो मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमसे पैसा लेने की जरूरत नहीं है तो ये तो पूरा मामला लॉस एंड डैमेज फंड का है और इंडिया को इंडिया को लेकर जो इसका स्टैंड है उस पर भी है देखिए कार्बन कॉमन कार्बन मैट्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था जिसको यूएनपी सपोर्ट करता है दो हज़ार इक्कीस में पूछा गया था ये क्यों है तो ये कार्बन फुटप्रिंट जो बिल्डिंग ऑपरेशन होते हैं उनका मेजर करने के लिए है तो जो इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव होते हैं उन उनपे क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पे यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं और पूछे हैं तो वो आगे भी पूछेंगे यू मस्ट बी रेडी चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संघाई फेस्टिवल के बारे में है तेरह प्लेसेस पे मणिपुर में इस फेस्टिवल को इस बार ऑर्गेनाइज किया गया इस लिहाज से ये ऑल मणिपुर फेस्टिवल बन गया काफ़ी शानदार फेस्टिवल रहा दस सालों का ये जो होता है मणिपुर में ये देखिए मणिपुर को एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास करता है ये ग्यारहवां एडिशन है इस फेस्टिवल का और थीम रही फेस्टिवल फॉर वननेस दो सालों तक ये फेस्टिवल हुआ नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड तो इस बार बड़ी धूमधाम से संघाई फेस्टिवल को मनाया जा रहा है तेरह वेन्यूज छह डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड किए गए जिससे इसकी स्प्रेड काफी ज्यादा बढ़ गई संघाई डियर के ऊपर इसका नाम रखा गया है जो कि मणिपुर का स्टेट एनिमल है एंडेमिक है संघाई डियर केवल आपको मणिपुर में ही मिलेगा मणिपुर में भी आपको एक कैबुल लामजा नेशनल पार्क में ही मिलेगा जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं वहाँ पे बायोमास तैरता रहता है ना लोकटक लेक में तो केवल वहीं पर ये जो संघाई डियर है वो पाया जाता है रिविजन करेंगे जी टैग या जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है इसकी ये महाराष्ट्र पुणे में है एकदम गलत है चेन्नई में है हमने डिस्कस किया था एन 365 दिनों तक कुछ भी ना मिले तो एनपीए गलत है 90 दिनों तक कुछ ना मिले तो एनपीए जी पी ए आई इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा 2020 में सही बात है कैबुल लामजा नेशनल पार्क केरला एकदम गलत है मणिपुर में है हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद